हम लोग यहाँ पे आज भी बात करने वाले हैं, जैसे कि सर ने पूछा, पांडे सर ने पूछा हमसे एक क्वेरी कि किसी का यदि पासवर्ड हमने भूल गया तो मुझे कैसे मिलेगा। तो देखिए, पासवर्ड यदि आप भूल जाते हो तो इसके दो तरीका है। या तो आपको उसका ईमेल आईडी पता हो, मतलब ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, उसका आईडी पासवर्ड होना चाहिए, या फिर जो ईमेल मोबाइल नंबर है उसमें डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा या ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा। ये दो तरीका है जिससे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। कोई जरूरत नहीं कि दोनों में से दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक, वो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए या वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये दो तरीके से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ये रही पासवर्ड रिसेट की, मैं आगे आपको समझाता हूँ। दूसरा है, बहुत सारे लोगों को आपके पास ये भी क्वेरी आ सकता है कि आपके पास यूजर आईडी भूल गया, बहुत दिन यूज नहीं किया और यूजर आईडी भूल गया, तो क्या करोगे? कोई आप मुझे बता सकता है यूजर आईडी तो कैसे ज्ञात करो? कोई भी इसमें से जितने लोग हैं, यूजर आईडी भूल गया तो आप क्या करो? तो मैं आपको बताता हूं, यदि आपने यूजर आईडी भूल गया तो आपको करना क्या है। एक दिन में आपको यूजर आईडी मिलेगा, यूजर आईडी को आप यहां से रिसेट या फॉरगेट या फिर आप उसको नहीं देख सकते दूसरे पोर्टल की तरह। यहां पे यदि आपको यूजर आईडी भूल गया तो आपको क्या करना है, ये आपको एक आईडी है, देखो helpdeskjem@gov.in, ये साइट पे आपको मेल करना है। क्या मेल करना है? आपका पैन कार्ड का नंबर, आपने यदि जीएसटी अपडेट किया है तो जीएसटी का नंबर, ध्यान दो, पैन कार्ड का नंबर और जीएसटी का नंबर, और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दो और बोलो मुझे इसका यूजर आईडी चाहिए। तो आपको कोई भी किसी का भी यूजर आईडी मिल जाएगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपका ही आपको यूजर आईडी मिलेगा, आप यदि मेरा भी यूजर आईडी फॉरगेट करवाना चाहते हैं तो मेरा भी आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। यदि मेरा आपको पैन कार्ड मिल गया, मेरा आपको जीएसटी नंबर मिल गया, यदि जीएसटी अपडेट किया है तो, नहीं किया है तो खाली पैन कार्ड डाल दो और आप मेल कर दो जो मुझे इसका यूजर आईडी चाहिए, तो आपको उसको यूजर आईडी मिल जाएगा। जरूरत नहीं कि रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही करना है, कोई भी मेल आईडी से करो आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। ये रही यूजर आईडी की बात। अरे पासवर्ड, जैसे मेरा पासवर्ड है, ये मेरा यूजर आईडी है और मैं यहाँ पे आपको लॉग इन कर रहा हूँ, अभी मेरा पासवर्ड डाला हुआ है, मुझे मेरा पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, क्या करूंगा? तो दो ऑप्शंस है, फॉरगेट योर पासवर्ड और रिसेट योर पासवर्ड। पहले फॉरगेट देखो फिर रिसेट देखो। फॉरगेट योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालिए, ईमेल आईडी पे आपको आपका लिंक चला गया है। लिंक भी आपको खोल के दिखाता हूं इसके बाद, है ना? यदि आपको लिंक देखना है तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, लिंक देखो। वहां पे आप, वहां से आप रिसेट कर सकते हो। योर पासवर्ड रिसेट लिंक ऑन जिम, यहां से हम रिसेट करके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। देखो न्यू पासवर्ड आया, कंफर्म करो, सबमिट करो, आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। ये एक हो गया तरीका, यदि आपके पास उसका ईमेल आईडी एक्टिवेट है तो। नहीं है ईमेल आईडी तो आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल फोन नंबर के थ्रू से। सबमिट, अभी मैं टारगेट से कहां पे गया, ईमेल पे रिसेट का मेल गया, और वहां से हमने ईमेल को ईमेल आईडी मतलब अपना नया पासवर्ड डाल के हम काम कर सकते हैं, रिसेट योर पासवर्ड, इससे आपको मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालो, वेरीफाई डालो, ओटीपी डाल के आपको यहीं पर मोबाइल पे जो आपका है जगह पे आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पासवर्ड सेट करो, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको दोनों चीजें बताई, यदि आपको यूजर आईडी भूल गया है या फिर आप इस बिजनेस करना चाहते हो और कोई कस्टमर आता है उसने रजिस्टर किया उसका यूजर आईडी नहीं पता है तो यूजर आईडी कैसे निकालोगे, यूजर आईडी निकल गया तो पासवर्ड कैसे निकालोगे। ये आपको मैंने यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर किया।
बोलियो, किसी को कोई डाउट्स है इसमें? कोई डाउट्स है तो बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं हम लोग। ओप्पो A5 बोलिए सर, आपकी क्या क्वेरीज है? ठीक है, एक अश्विनी मैडम का क्वेरीज है कि अगर डस्टबिन की रिक्वायरमेंट है और अपलोडेड में विदाउट व्हील है और बायर को विथ व्हील चाहिए तो क्या करना। मैं क्वेरी को दोबारा पढ़ता हूं। अगर डस्टबिन की रिक्वायरमेंट है, डस्टबिन चाहिए है, रिक्वायरमेंट है, मेरे पास जो मैं प्रोडक्ट अपलोड किया हूं वो विदाउट व्हील है पर बायर को चाहिए विथ व्हील, तो क्या कर सकते बताओ। कोई भी इसमें से कोई भी बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। सर आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही, आ रही। फिर से अपलोड हाँ। करना पड़ेगा सर। हाँ बराबर, पहले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगा जो विथ व्हील है। अच्छा, क्लोन कर सकते पेयर? हाँ, पेयर कर सकते आप, क्लोन करो, पेयर करो या नया प्रोडक्ट अपलोड करो, वो आपके ऊपर है। उसी में नहीं अपडेट कर सकते, उसमें बस प्राइस नहीं, वो तो स्पेसिफिकेशन तो ही रहेगा ना मैडम। हाँ, और एक थी सर क्वेरी। एक्चुअली अपन क्लोन करते हैं, पेयरिंग करते तो मेरे इसमें सेल दिस आइटम ये क्यों नहीं आता है? आप मैडम क्या होता है कभी कभी जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, जब आप क्लोन करने के लिए जाते हो तो क्या होता है, लॉग आउट हो, मतलब लॉग आउट नहीं होता पर लॉगिन का ऑप्शन चला जाता है, तो वहां पे फिर से जाने का और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। नहीं ना सर, ऑलरेडी जो अपलोडेड प्रोडक्ट है ना मैंने तो उसमें देखा तो मेरे इसमें सेल दिस आइटम नहीं आ रहा ना। और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके प्रोफाइल में है वो उसको आप फिर से क्यों उसको नहीं देगा ना सेल दिस आइटम, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आपका है ना क्लोन किया हुआ, तो वहां तो सेल दिस आइटम का आने का सवाल ही नहीं था। एक बार आपके प्रोफाइल में ऐड हो चुका है तो दोबारा आप उसको क्यों ऐड करेंगे, वो तो आपके प्रोफाइल में मिलेगा। फिर यहां से जाइए और यहां पे जाके आप ढूंढ लीजिए आपका प्रोडक्ट। ओके, और अगर न्यू हाँ ठीक है, समझ गए, थैंक यू सर। तो उसको आपको दोबारा सेल नहीं करना है ना। ओके ठीक है। और दूसरी बात सर, ये जो सर्टिफिकेट चाहिए रहते हैं ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पास्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, डिपेंड अपॉन बीड बीड, अगर सपोज डस्टबिन का है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, डस्टबिन की रिक्वायरमेंट है तो डस्टबिन का ये हमने जो दिया है किसी को उसका ही लिखेंगे, उसका ही लगेगा, सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सेम प्रोडक्ट का लगेगा, ठीक है, सेम स्पेसिफिकेशन का। पास्ट परफॉर्मेंस भी वही, पास्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ, एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है समझो। एक्सपीरियंस में यदि कोई प्रोडक्ट है जैसे कि व्हील वाला है, आपने ही अभी जैसे बोला एक व्हील वाला आपने है और एक विदाउट व्हील है, बराबर है, आपने दो प्रोडक्ट बोले पर दोनों सेम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, दोनों प्रोडक्ट डस्टबिन ही है। अभी यदि आपको एक ही टेंडर में दोनों चीजें मांगा, एक मांगा आपको पास्ट परफॉर्मेंस भी मांगा और एक्सपीरियंस भी मांगा, तो आपको क्या है, एक्सपीरियंस में यदि विथ व्हील का टेंडर है तो विथ व्हील का ही आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, पर पास्ट परफॉर्मेंस आप विदाउट व्हील का भी दे सकते हो, मतलब उस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट का आप दे सकते हो जाएगा पास्ट परफॉर्मेंस, बट एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपको उसी कैटेगरी में जो स्पेसिफिकेशन है उसका ही देना पड़ेगा, पास्ट परफॉर्मेंस उस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट का चलेगा, एक्सपीरियंस में जो आप अपलोड कर रहे हो प्रोडक्ट वो आपको पास्ट परफॉर्मेंस में चलेगा, पर पास्ट परफॉर्मेंस का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, समझ में आया। यदि कोई टेंडर में एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है और पास्ट परफॉर्मेंस दोनों है तो एक्सपीरियंस में जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हो वही वाला यदि पास्ट परफॉर्मेंस में भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, एक क्वेरी थी उसमें मुझे क्लेरिफिकेशन के लिए, उन्होंने बोला था कि पास्ट परफॉर्मेंस में वर्क डन वाला आप अपलोड करो, जो भी दिया हुआ है वर्क, बराबर जिस बायर को वो बोला था, मैंने मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से दिया था तो उन्होंने फेल किया।
मतलब वर्क डन ही चाहिए ना दोनों में, एक्सपीरियंस में भी वर्क डन चाहिए और पास्ट परफॉर्मेंस में भी वर्क डन चाहिए, दोनों में हम वर्क डन की ही बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस मतलब हमको कब मिलता है, जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। जी। तो दोनों में आपको वर्क डन ही अपलोड करना है, वर्क इन हैंड अपलोड नहीं करना है, है ना। दोनों में वर्क डन लगेगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया। क्लियर है? अभी भी डाउट है कुछ तो? थैंक यू। हाँ, नीलेश सर बताइए। सर ये एकादा प्रोडक्ट जो रहता है ना वो तो अलाइन हो जाता है, पर थोड़ा स्पेसिफिकेशन चेंज करके अपन दूसरा डालते हैं ना तो वो होता ही नहीं मेरे से। स्पेसिफिकेशन चेंज करके डालते हैं मतलब नहीं समझा मैं, आप करना बोलना क्या जल्दी। समझ लो कि अपना चेयर है, हाँ, तो चेयर में समझ लो कुशन का साइज 4 इंच है, बराबर। उसकी जगह अपन अगर 6 इंच का कुशन वाला अगर चेयर में ऐड करने जा रहा हूँ ना, हाँ, तो एक बार आप करके बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे से हो ही नहीं रहा। नहीं, अब प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिट आ रहा है वो नहीं समझा मुझे अभी तक। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया है, देखो यदि कोई भी एरर आता है तो उसको निकालो व्हाट्सएप के ग्रुप या मुझे पर्सनल भेज दो, ये मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया है। तुरंत का तुरंत, तो इससे क्या है आपको याद रहेगा और जो भी लोग है आपको क्वेरी का तुरंत सॉल्व मिल जाएगा। चलेगा सर। यस, तो देखो अभी आपका क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से। अभी बताओ आपको क्या बोलना चाहते हो आप, यहाँ पे क्या कर क्या रहे हो, क्लोन कर रहे थे या नया प्रोडक्ट डाल रहे थे? नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं। नया प्रोडक्ट डाल रहे थे, हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था? उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट था पर उसमें समझ लो चेयर है तो विदाउट हैंड की है, हमें विथ हैंड डालना चाहता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, देखो आप यदि कोई प्रोडक्ट को हाँ नया करोगे तो विथ हैंड डाल सकते हो ना, ऐसा क्या उसमें? अच्छा, तो फिर नया करने गया तो हुआ, तो फिर आपको सभी डिटेल्स डालना पड़ेगा, सब एकदम वन बाय वन प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है, मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ, इवॉल्विंग चेयर एड न्यू ऑफरिंग। रिवॉल्विंग चेयर कैटेगरी है, हमने ले, सॉरी आया नहीं, रिवॉल्विंग चेयर ओके। अभी यहाँ पे कोई भी ब्रांड ले लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको सबमिट। मुझे मैनुअल डालना नहीं पड़ा इसलिए मैं यहाँ पे इसको ले लिया। अभी आपको क्या चेंजेस करना है बताओ, इसमें क्रोम फिनिश 5 व्हील्स बराबर है या अलग चेंज करना है, जो भी चेंजेस करना है। एज एग्जांपल जैसे आपकी कुशन का था, कुशन कहाँ पे है बताओ, कुशन कुशन कुशन, यहाँ तो कुशन देख ही नहीं रहा है मुझे, दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, हम लोग कोई भी चीज चेंज करना चाहते हैं, बोलो आप इसमें से बोलो कौन सा चीज चेंज करूं। ये 360 डिग्री, इसको अगर अपन 180 डिग्री किया तो ये वाला है ना, तो इसमें देखो इतने सारी चीजें हैं, बोलो कौन सा ले लूं, पुशबैक ले लूं, सेंट्रल टिल्ट है, है ओनली रिवॉल्विंग, बोलिए ना, ओनली ओनली रिवॉल्विंग, हां ओनली रिवॉल्विंग है ना, और हम इसको सबमिट करते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंगली दिख जाएगा। क्या प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आ रहा है आपको, और कोई चेंजेस करना है तो और चेंज कर लो, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग आपको प्रोडक्ट दिखा देगा, यदि है तो आप उसको चूज करके आगे निकल सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसको प्रोसीड विद न्यू आइटम करके आगे जा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले की क्लास में बताया था, आगे का प्रोसीजर आपको बताया हूँ, वहां से आप वीडियो से देख लो। प्रोसीड विद आइटम के साथ में सर, हाँ वो उसका चित्र डालना पड़ेगा क्या? सभी चीजें डालना पड़ेगा, हाँ, फिर मैंने जो जो बताया है प्रॉपर प्रोसेस वैसा ही चलना पड़ेगा फिर आपको। प्रॉपर डालोगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे, है ना? अच्छा सर। बेवफ सर बताइए।
सर जैसे बिड में पूछता है कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 साल का आपको, यदि देखो जो भी टेंडर्स है उसमें आपको 3 साल में आपको वो वाला प्रोडक्ट, 3 साल के अंदर वो प्रोडक्ट आप सेल किया हुआ होना चाहिए। 3 साल पुराना सेल नहीं चलेगा, 3 साल से पुराना नहीं चलेगा। हाँ, 3 साल के अंदर का। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक सर्विस का काम है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब बराबर है, तो मान लीजिए मेरा 5 साल पुराना एक्सपीरियंस है तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस 3 साल तक ही वैलिड रहता है? हाँ, 3 साल नहीं, 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 ये डिपेंड करता है बायर के ऊपर। बायर ने 3 साल लिखा है तो 3 साल का चलेगा, बायर ने 5 साल। हाँ, मान लीजिए 5 साल लिखा होगा, तब मान लीजिए 3 ही साल लिखा है तो मेरे पास 5 साल पुराना है, नहीं चलेगा। तो ये 3 साल लिखा है तो मतलब पिछला पुराना 3 साल का मांगा गया कि 3 साल के अंदर का कोई भी एक्सपीरियंस डाल सकते हो। अच्छा, ये इसका मतलब ये होता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लगातार? 3 साल के अंदर जो भी आपने काम किया है वो एक्सपीरियंस डाल सकते हो, वो आपका। अच्छा, वो डाल सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है। ओप्पो A5। जी सर, बोलिए। पहला सवाल है टैक्स असेसमेंट की तरफ से सर। हाँ बोलिए ना। अगर ये एक बार किया होगा, मतलब इसमें ये एडिटेबल है कि नहीं है सर? नहीं, एक बार आपने डाल दिया तो दोबारा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और जनरली होने ये होगा भी नहीं ना, आपका आईटीआर तो बदल नहीं जाएगा। ओके, आईटीआर तो बदलता नहीं है, तो फिर आपको चेंजेस करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ठीक ठीक सर। कैटलॉग, कैटलॉग में एक बार हमने आइटम अपलोड कर दिया सर, ठीक है सर, तो वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया सर, बराबर। तो उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स रेट्स का, मतलब अगर रेट्स अप डाउन करना पड़े? हाँ, 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 कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके ओके सर। कैटलॉग में जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, सर्च माय ऑफरिंग में जाओ, आप कोई भी चेंज जब चाहिए तब चेंजेस करो, पर बायर के पास अपडेट कल होगा, है ना? ठीक। अभी मुझे एसआर का ये लैपटॉप है, ये 9999 में भेजना है, मुझे इसके रेट बदलने हैं, क्वांटिटी बदलना है, स्टॉक बदलना है, जगह लोकेशन बदलना है, जो मैं यहाँ नहीं बेचना चाहता वो सभी बेच सकता हूँ। कौन सा सिर्फ मैं इसमें चेंजेस कौन सा कर सकता हूँ? थर्ड कॉलम ये वाला, क्वांटिटी ऑफरिंग एंड प्राइस, ये मैं चेंजेस कर सकता हूँ कुछ भी जो मुझे लगेगा, है ना। प्राइस बदलना है, मैं 1 रुपया ये आपको 99,000 डाल देता हूँ। ठीक है सर, ये समझ गए सर। अब इसी पेज पे रहिए, मेरा एक और क्वेरी है सर। हाँ बोलिए सर। मीन्स सेम आइटम है, एक ही कैटेगरी का है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलू मैं आपको? हाँ बोलिए ना, कोई भी प्रोडक्ट हो। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं। पाइप है सर, पीवीसी पाइप है, कॉन्ड्यूट, वो डिफरेंट साइज के होते हैं, चलो ये छोड़ लीजिए आप, बराबर। जी आई फिटिंग होती है सर, बराबर है, बोलिए ना, आगे बोलिए। वो 20 mm की होती है, 15 mm की होती है, 25 mm की होती है, तो 50 mm। ओके, हम इसको कैसे अपलोड करेंगे, मतलब इसको कैसे डायरेक्ट आना चाहिए? आपको स्पेसिफिकेशन मिलना चाहिए यहाँ पे, जनरल इन्फॉर्मेशन में वो स्पेसिफिकेशन आपको होना चाहिए, 10 mm है, 25 mm है, वो स्पेसिफिकेशन देखो है कि नहीं। पहले मेरी बात सुनिए सर, मैंने 25 mm का एक आइटम चढ़ा लिया, ये है सॉकेट, ठीक है सर? हाँ ठीक है। अब मुझे चढ़ाना है 15 mm का, बराबर। अभी ये कैसे चढ़ेगा सर? फिर से सॉकेट में जाओ और 10 mm के जगह 25 mm की जगह 15 mm चूज करो, नया प्रोडक्ट डालो। अच्छा, नया प्रोडक्ट डालना है उसमें? स्पेसिफिकेशन बदलेगा तो प्रोडक्ट भी बदलेंगे ना सर। 15 mm का मॉडल नंबर और 25 mm का मॉडल नंबर कभी सेम होता है क्या? दोनों का प्राइस सेम रहेगा क्या? ना ना, वो नहीं रहेगा सर। अगर ऐसा ऐसा हो सकता है सर, मैं ये कहना मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 20 mm का हमने चढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन उठा के मतलब कॉपी करके उसमें हम 15 डालेंगे, कंपनी भी सेम है, प्रोडक्ट भी वही है, कुछ सेम होने दो, दोनों प्रोडक्ट एक ही है क्या? 15 mm का प्रोडक्ट और 25 mm का दोनों प्रोडक्ट एक है क्या? ना ना ना, अलग अलग है, तो कैटलॉग भी अलग अलग बनेगा ना। Okay. जब प्रोडक्ट अलग तो कैटलॉग अलग, ये समझ लो। एक ही प्रोडक्ट जब नहीं है तो कैटलॉग एक नहीं बन सकता। यदि आपके एक ही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट, अभी सॉकेट है, 1 mm से 100 mm का अलग अलग प्रोडक्ट है, तो उसके 100 कैटलॉग बनेंगे।
अभी 1 mm में भी प्लास्टिक का भी आता है, मेटल का भी आता है, तो 1 mm के दो कैटलॉग बनेंगे, एक प्लास्टिक का एक मेटल का, सेम 2 mm के दो कैटलॉग बने। अभी 1 mm में भी आता है कि कोई मान लीजिए एक में वायर के साथ आता है कि विदाउट वायर आता है, तो अभी एक कैटलॉग बनेंगे 1 mm के साथ विद वायर, एक कैटलॉग बनेंगे 1 mm के साथ विदाउट वायर, उसमें प्लास्टिक का एक बनेगा फिर मेटल का एक बनेगा, इतने सारे 4 कैटलॉग बने। अभी जैसे रिवॉल्विंग चेयर की हम लोग बात कर रहे थे, रिवॉल्विंग चेयर में कम से कम नहीं बोलेंगे सब कैटलॉग यदि कोई बनाना चाहे तो शायद मुझे लगता है 1 लाख कैटलॉग बनेगा, 1 लाख जी सर। तो हमेशा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में थोड़ा भी कोई भी चेंजेस हो गया तो कैटलॉग नया बनेगा, नया बनेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ये सवाल अभी पूछना नहीं था, बोलिए तो रिलेटेड है, BOQ के रिलेटेड है सर, अभी हमने ये पढ़ा नहीं, बोलिए ना। अच्छा, ये BOQ जो है ना सर, इसमें कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है, बराबर है, BOQ में कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने BOQ का टेंडर भरना तो देख लिया है ना, सिर्फ अभी हम नहीं टेंडर भरना नहीं देखा है। ओके, टेंडर भरना नहीं सीखा सर, नहीं सीखा है। ओके, हाँ, उसमें कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं है, पर उसके स्पेसिफिकेशन के PDF बनाना पड़ेगा कैटलॉग का। मैं समझा नहीं सर। जो आप प्रोडक्ट, जैसे आपने बोला मुझे जो मैं 45 mm का सॉकेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बराबर है, तो आपको उसका इमेज, वो क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन और क्या है, उसका एक खाली PDF बना के उधर अपलोड करना है, BOQ बिल्डर PDF फाइल बनाना है, PDF फाइल आपको बना के रखना है, फाइल बनानी है उसकी, हाँ, और वो फाइल उधर अपलोड होगा। अच्छा, बाकी आपको वो कैटलॉग कहीं डालना नहीं है, सिर्फ वो PDF फाइल अपलोड करना है, अपलोड करनी है, हाँ, बायर को कैसे पता चलेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या दे रहे हो आप, है ना, इसलिए स्पेसिफिकेशन का फाइल आपको अपलोड करके देना है। इसमें वो ऑप्शन किसी जगह आता है जहाँ पे, हाँ, BOQ स्पेसिफिकेशन बोल के एक नाम रहेगा, वहां पे वो अपलोड करना है। अच्छा, अब तो पोर्टल ही नहीं चल रहा है सर, अगर देखते ना आगे, अभी इसके बाद देखेंगे ना, थोड़ा क्वेरी देख लेते हैं और फिर देखेंगे। सुनील सर बताइए। तो मेरा क्वेरी सर्विस के बारे में, एक्सपीरियंस, अगर किसी के सर्विस का एक्सपीरियंस कोई टेक्निकल काम के लिए चाहिए, ओके, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ ओनर, लेकिन फर्म के नाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें कुछ हो सकता है उसमें? प्रोप्राइटरी फर्म है तो चल जाना चाहिए। एक्चुअली हमारे बड़े भाई के नाम का फर्म है, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं वो जॉब में ही देखने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस आप ले लो ना, लेकिन पूरा बिजनेस तो मैं ही संभालने वाला हूँ, वैसा वो क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस को, बिजनेस तो आपके एम्प्लॉय भी संभाल रहे हैं, तो क्या उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा? ओके, ओनली फर्म का नाम का एक्सपीरियंस है। अभी L&T में 1000 लोग या 5000 लोग मिलके काम को संभाल रहे हैं, तो सबको क्या 5000 लोगों को एक्सपीरियंस थोड़े मिल जाएगा, L&T को एक्सपीरियंस मिलेगा, बराबर है ना? अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो हो सकता है, प्रोप्राइटर ही कंपनी है और प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप उसको वहां पे अज्यूम कर सकते, मतलब गवर्नमेंट फर्म्स कोई भी है तो अज्यूम कर सकते हैं, बोलो अज्यूम कर सकते, ये डिपेंड भी है बायर के ऊपर थोड़ा, है ना, बायर, ओके ओके ठीक है, थैंक यू। वैभव सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक किचन सर्विस का बिड है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, लिखा हुआ है इयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 1 ईयर्स, तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ? सर अभी थोड़े देर पहले भी मैंने बताया आपको, सेम क्वेरी पूछा था और सेम क्वेरी का जवाब दिया, देखिए 3 साल था यहाँ, 1 साल हो गया, ये कंफ्यूजन है कि मान लीजिए मेरे पास 2 साल पुराना वाला एक्सपीरियंस है तो नहीं चलेगा, 1 साल के अंदर का चलेगा, मतलब मान लीजिए ये 2021 में निकला है तो 2022 का मुझे, वो 2020 का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, हाँ 2021 का कोई भी काम का एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि 1 साल का लगातार काम किया हुआ एक्सपीरियंस, 1 साल के अंदर का कोई भी काम का एक्सपीरियंस चलेगा। अच्छा, काम का एक्सपीरियंस चलेगा। और सर मुझे ये पूछना था, हाँ बोलिए ना, कि MSME जो होता है, MSME वो क्या हम जैसे सेलर हैं तो मुझे EMD में छूट मिलेगा MSME में, अगर मेरा, हाँ, यदि आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो तो मिलेगा। नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं, मैं सेलर हूँ, मान लीजिए
सेलर हो मतलब क्या हो, रिसेलर हो आप? हाँ रिसेलर। नहीं फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है। नीलेश सर, सर एक 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 आधा सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर कैसे ऐड कर सकते सर? कौन सा सॉफ्टवेयर सर? नहीं समझा मैं। नहीं सर, अब मैंने एक इनवर्ड आउटवर्ड का सॉफ्टवेयर बनाया है, अपन लेटर इनवर्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या मतलब समझा समझा, मतलब आपका कोई नया, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो जीएम पे आप लाना चाहते हैं, बराबर है ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो आपको उसके लिए कैटेगरी बना का अपग्रेडेशन, कैटेगरी अपग्रेडेशन के लिए मैंने बोला था, न्यू कैटेगरी क्रिएशन के लिए बोला था ना, वहां पे आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। अच्छा, वहां से डाल के आप कर सकते हो। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि बायर को बोलो इसका बिड निकालो और उसके बेस पे आप वहां पे बेच सकते हो। ये दूसरा तरीका है। कौन सा बिड? कोई सर, फर्स्ट बिड या BOQ बिड, दोनों में से कोई सा भी। ओके सर, ठीक। ये दोनों तरीका है। तो पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी है, दूसरे वाला इजी है। अच्छा सर, और बायर ने अगर रिक्वेस्ट डाला तो तुरंत हो जाता है क्या? नहीं, तुरंत वहां पर भी तुरंत नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल बायर डालेंगे तो होगा। ओके सर। मोहम्मद सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने आपसे बताया था कि मैंने अपना नाम चेंज किया है जीएसटी में। जीएसटी में नाम चेंज किया? हाँ। तो सर मेरा अकाउंट क्लोज नहीं हो पा रहा है, कैटलॉग मैंने सब हटा दिया उस पे से, फिर भी ना क्लोज नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है एरर सर? यार ये दे रहा है कि आपने कैटलॉग पब्लिश करी, यू हैव पब्लिश कैटलॉग। सब आप यहां से, यहां पे आपका कोई भी कैटलॉग नहीं है क्या? कैटलॉग में, प्रोडक्ट में, सर्च माय ऑफरिंग में? ऑफरिंग में सर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, पब्लिश्ड में। पब्लिश्ड में कोई भी प्रोडक्ट नहीं सर, वो नहीं होता है, उसको मेल कर दे। मेरा भी मेल कर था, मैं वही बोला, यदि यहां से नहीं हो रहा है तो ये जेम के तरफ से लूफॉल से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जो पब्लिश्ड है ना इसका स्क्रीनशॉट निकालने का, पब्लिश्ड का, नोटिफाइड प्रोडक्ट का, इन्वेंटरी प्रोडक्ट का, सबका सबका स्क्रीनशॉट निकालो। और स्क्रीनशॉट निकाल के आपका आईडी और ये जो मेल है इस मेल आईडी पे भेज दो और लिख दो मुझे अकाउंट को क्लोज करना है। Okay. तो वो बैक एंड से आपको मेल आ जाएगा, फिर आप क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। लेटर हेड मेरा एक कैटलॉग पब्लिश आ रही है, स्कैनर वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी आप मेल कर दो तो जल्दी हो जाएगा काम आपका। ओके सर। बोलिए और कुछ, किसी को डाउट्स?